हेलो एवरीवन, वेरी गुड गुड मॉर्निंग है टू एवरीवन। एक वीडियो शूट करना चाह रहे थे आज हम। एक हमको बात पता चला है, हुआ ये कि परसों मेरे घर पर सेकंड फ्लोर का मेरा वो छत बन रहा था, ढलैया हो रहा था, ठीक है। तो ढलैया हो रहा था, तो जिस दिन ढलैया होता है, जिस दिन वो छत बनती है वो, ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स काम करते हैं आपके यहाँ, उसको आपको दोपहर में लंच करवाना होता है, ठीक है, या लंच करवाइए या अपने अपने हिसाब से आप जो भी मतलब कुछ रिफ्रेशमेंट दीजिए खाने पीने का, कुछ भी बट करवाना होता है। तो उसमें एक मिस्त्री था, सेंटरिंग मिस्त्री बोलते हैं उसको, जो छत पर छड़ बांधता है, ठीक है। तो वो छत पर छड़ और बांध के सुबह में चला गया, उसका कोई काम नहीं था। तो वो ऐसे ही सुबह में शाम में फिर सेम डे वो 4 बजे आया, वो सेंटरिंग मिस्त्री 4 बजे आया, और 2 बजे हम जितना लेबर्स था उसको छोड़ के सबको हम एक एक नाश्ता का पैकेट दिए खुद से ही, ठीक है। वो नहीं आया, वो टाइम पर नहीं आया। तो पता नहीं वो जब आया 4 बजे तो मेरे मन में क्या हुआ, हम एक पैकेट उसको उठा के दिए कि भैया आप नहीं थे 2 बजे, यहाँ सबको लंच करवाए हैं, आप भी लीजिए, ठीक है। अब कट टू 6 बजे शाम को सारा ढलैया वगैरह हो गया, सारा लोग जाने लगा, तो हम किसी को बख्शीश नहीं दिए, हम किसी को पैसे वैसे एक्स्ट्रा नहीं दिए, हम ठेकेदार के हाथ में, जो ठेका लिया है छत ढलाई करने का, उसके हाथ में पैसा दे दिए, हमें देखिए आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो लगता है हम 35 या 37 हज़ार रुपये उसको दिए, ठीक है, बख्शीश वगैरह सब समय सबको अपने हिसाब से दे दीजिएगा, सारा लेबर के सामने ही। तो वही सेंटरिंग मिस्त्री मेरे पास आया और बोला भैया कुछ खर्चा पानी दीजिए। तो हम बोले देखिए ठेकेदार यहीं है, सामने ही था ठेकेदार यहीं है, जो पैसा लेना है इनसे लीजिए, हम सारा पैसा इनको दे दिए, ठीक है। तो फिर हमको कुछ बोला, हल्का फुल्का हमको ध्यान नहीं है, बट फिर वो हम बोले कि भैया देखिए हम आपको नाश्ता का पैकेट दिए ना, आप नहीं थे जिस टाइम पे, आप दोबारा लेट से आए तब भी हम दिए। तो पता है वो आदमी हमको क्या बोला, वो मिस्त्री हमको क्या बोला, बोला हम मांगने गए थे, ठीक है, आप काहे दिए, आप नहीं देते, हम मांगने थोड़ी गए थे आपसे। अरे मेरा एकदम पारा एकदम हाई हो गया उस टाइम, ठीक है। एक तो सुबह से हम भी कुछ खाए पिए नहीं थे, घर ढलैया हो रहा था तो कुछ ही नहीं खाए थे, बस वही समोसा कचौड़ी कुछ खाए थे, और सुबह से 6 बजे 7 बजे से लगे हुए थे। तो ऐसे ही बोला ना कि हम मांगने गए थे, मेरा एकदम पारा हाई हो गया, हमको मन किया बहुत मार मारे उसको, और मेरा आवाज़ बहुत तेज़ हो गया उस टाइम पर, ठीक है, कि तुम सिखाएगा हमको, हम देख रहे थे कि अंग्रेजी बताएगा, तुम बताएगा अंग्रेजी इस तरीके से, और बहुत हार्श हो गए थे हम। फिर हमको समझ में आया बाद में कि नहीं, वो जीवन का बहुत कट्टू एक सत्य हमको बता के गया उस दिन शाम में वो लेबर मिस्त्री, ठीक है। वो हमको एक चीज़ सिखाया कि बिना मांगे किसी को कुछ नहीं देना, बिना मांगे किसी को कुछ भी नहीं देना, और हम में ये बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। हमको ऐसा फील होता है कि हम बिना मांगे ही बहुत सारे लोग को बहुत सारी चीज़ देते रहते हैं, ठीक है। किसी को देखते हैं, मान लो कोई गिर रहा है, ठीक है, कोई गिर रहा है इन द सेंस कि हमको मालूम है वो रास्ता सही जगह नहीं जाएगा, तो हम उसको गाइड करते हैं कि देखो यहाँ नहीं जाना, ये हमें बहुत बड़ा डिमेरिट है, ठीक है। तो अगर आप, और बहुत रीसेंट एग्जांपल्स है मेरे सामने ऐसा, ठीक है, जितना लोग को हम कुछ सही सलाह दिए हैं, ठीक है, वो लोग हमको वर्थ इट नहीं मानता है। अरे हम अगर अपने आप को मानते हैं कि हम कुछ किसी को गाइड कर सकते हैं, अपने से छोटे के बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उतना कुछ सीखे हैं, हम 29 ईयर्स ओल्ड हैं, हम ये नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा पारंगत हो गए, नहीं हम इतना पारंगत नहीं हो, बट जितना कुछ भी हम सीखे हैं थोड़ा बहुत भी, उस हिसाब से हम अपने भाई बहन को या अपने से छोटों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे में कमी है चीज़, बिना मांगे हम गाइडेंस देते हैं, नहीं देना चाहिए। जो आप बिना मांगे गाइडेंस देते हैं ना, तो सामने वाला आपका मतलब इज्जत नहीं करता है, वर्थ इट नहीं मानता है, ठीक है। अगर वो गिरना चाह रहा है तो गिरने दीजिए, गिरेगा फिर मांगेगा कि भैया यहाँ या सर यहाँ गाइडेंस चाहिए, तब दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं, बिना मांगे नहीं। वो लेबर हमको उस दिन बहुत बड़ा जीवन का सीख दिया, ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा डिमेरिट है, मतलब एग्ज़ाम कैसे डील करना है, हमसे कोई जूनियर है वो जा रहा है, वो पूछा नहीं बट हम उसको बता देते हैं कि देखो अगर क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर अगर 25 तक भी नहीं आए, लाइन से ही नहीं आए, ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, एकदम आराम से 26 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जनरली होता क्या है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन नहीं बनता है आगे का, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अरे भाई कोई सवाल नहीं बन रहा है, मोरल डाउन हो जाता है। बट हम ऐसे लोगों को गाइड किए कि देखो 1 से अगर 25 तक भी नहीं आएगा तो डरना नहीं है, 26वां नंबर एकदम कूल माइंड से देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, बट बिना मांगे नहीं देना होता है गाइडेंस,
किसी को भी बिना मांगे गाइडेंस नहीं देना है। हम लेटर लिख देते हैं, ऐसे ही लेटर लिख देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा है, ऐसा है, बिना मांगे। ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ हमें गलत है। जनरली ऐसे हमको ये लाइन, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। जो बिना मांगे ज्ञान देते रहता है उसको दुनिया गांडू बोलता है, ठीक है। ये फैक्ट है, ये लाइन हम बहुत हार्श बोल दिए, ये फैक्ट है ये चीज़, ठीक है। कोई मांगे तब दीजिए, ठीक है। बिना मांगे कुछ मत दीजिए, कोई ज्ञान, कोई गाइडेंस कुछ मत दीजिए, ठीक है। गिरने दीजिए, कोई दिक्कत, लेकिन बिना मांगे कुछ मत दीजिए।